हेलो दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल के सेकेंड पार्ट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो वीडियोस आगे आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे राइट क्लिक की मदद से किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे आज के वीडियो में हम इसी का शॉर्ट की के माध्यम से इसे कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस तीनों फाइल को फाइल और प्रोग्राम को कॉपी करूँगा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के माध्यम से इस तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। पहले एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ, फिर दूसरे फाइल पर क्लिक करता हूँ और फिर तीसरे फाइल पे भी जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से जो है तीनों फाइल हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो है हम पहले सीखे थे कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी फाइल को जो है यहाँ पे कट करते हैं, तो कट या कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पे शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ तीनों फाइल को सिलेक्ट करना है और आपको जो है यहाँ पे अगर आप इस फाइल को यहाँ से कट कराना चाहते हैं, मतलब इसे यहाँ से हटा कर किसी और जगह रखना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एक्स का यूज करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो यहाँ से ये तीनों फाइल कट हो जाएगा। इसके बाद आपको जहाँ पे रखना है इस फोल्डर को आपको ओपन करना है और वहाँ पे आपको जो है इसे रखने के लिए, जैसे कि मैं इस फोल्डर में इसे रखूँगा, तो यहाँ पे आपको रखने के लिए कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करना है। तो जिसे आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे जो है रखा जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं एक कॉपी यहाँ भी रहे और एक कॉपी आपका डेस्कटॉप पे भी रहे, तो आप जो है कंट्रोल के साथ जो है सी बटन का यूज करेंगे। कंट्रोल सी जैसे ही आप दबाएंगे ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पर आपको फिर कंट्रोल भी दबाना है, जिसके बाद कि वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जिस लोकेशन पर आप कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर को, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड है या अगर आपकी सीडी में है, तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आप सीडी को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आप माई कंप्यूटर खोले, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप यहाँ पर माई कंप्यूटर नहीं है, तो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर दिख जाता है यहाँ, या आप यहाँ पर सर्च में लिख सकते हैं माई पीसी। ये तो यहाँ पे दिस पीसी आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये खुल चुका है। और यहाँ पे अगर आप अपने लैपटॉप में डीवीडी को इंसर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे उसका जो है डीवीडी आ जाएगा। इसे आप खोल करके देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर में पहले से सॉफ्टवेयर है या, तो मैं उसे ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जो है शेयर इट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा, तो मैं इस पर जो है डबल क्लिक करता हूँ। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें, उसके exe फाइल पर डबल क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे इसके exe फाइल पर डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म आएगा, इस पर आपको येस पर क्लिक करना है और फिर आपको इसके बाद आपको जितने भी ऑप्शन आते हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन आएगी कि आप इसी प्रोग्राम को कहाँ रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। ये सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जितना भी ऑप्शन आएगा आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइम लगा सकता है, कोई सॉफ्टवेयर जो है जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में समय लगाता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो इसका जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो आ चुका है और यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और आप उसे इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ को यहाँ पे अपने कंप्यूटर में सबसे पहले इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा। तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो नेटवर्क दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सभी वाईफाई कनेक्शंस दिख जाएंगे, किसी के साथ भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो उस पर डबल क्लिक करके। अब अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है क्रोम ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसे हम ओपन करते हैं। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको करना है कि यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम सेट करना है जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा फोटोशॉप, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप डाउनलोड लिखूँगा सिर्फ। तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसमें आपको लगभग सभी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो वो वेबसाइट हम खोलते हैं,
उसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CENT सॉफ्टवेयर, ये लिख करके आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे ही आप CENT सॉफ्टवेयर लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा CENT डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं फोटोशॉप। और यहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर है पेड और फ्री जो भी है वो उसके लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप जो है इसे उस जैसे कि मैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ आपको डाउनलोड नाउ का बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल करने का प्रोसेस वही होगा जैसे आप जो है इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ था। उस सॉफ्टवेयर की एक्सी फाइल पर डबल क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट 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 पर क्लिक करें तो आपका वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है उसे अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, आप अपने कंप्यूटर से उसे कैसे हटाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है कंट्रोल पैनल लिख करके। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखेंगे आपके सामने यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पर आपको फिर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उन सभी के लिस्ट आ जाएंगे और जिसे आपको अनइंस्टॉल करना है, जिस भी प्रोग्राम को आपको अनइंस्टॉल करना है उस प्रोग्राम पे सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है, जिसके बाद वो प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इस प्रोग्राम का अनइंस्टॉल करूँगा तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि आप इसे सच में क्या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या आप इसे सच में रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। तो इसके बाद कुछ ऑप्शंस और आ सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम में। तो उसके बाद आपको वहाँ पे उन सभी को कंप्लीट करना है तो आपका कंप्यूटर आपका जो वो प्रोग्राम है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर के किसी भी पार्टीशन में, जैसे कि मैं यहाँ पे इस PC को ओपन करता हूँ पार्टीशन देखने के लिए, और यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर के किसी भी पार्टीशन में लॉक लगाना है, पासवर्ड लगाना है, तो आपको उस पार्टीशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक ड्राइव, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी इंटर कर देते हैं और नीचे कन्फर्म और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप इस पासवर्ड को कहाँ सेव रखना चाहते हैं, इसका जो बैकअप है रिकवरी की है उसे आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चुनूँगा सेव टू ए फाइल। और इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी लोकेशन चुन लेना है जहाँ पे आप इसे सेव रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखूँगा, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका जो पासवर्ड है कुछ देर टाइम लेगा और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है उस ड्राइव के लिए सेट हो जाएगा और उसका जो बैकअप की है रिकवरी की है वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इसे आप कहीं भी सेफ रख सकते हैं ताकि आप अगर अपना पासवर्ड भूल भी जाएँ तो आप उसे जो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे पासवर्ड नहीं लगाना तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई की सुविधा नहीं है तो भी आप अपने फ़ोन से कंप्यूटर को इंटरनेट दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर से फ़ोन को जो है USB केबल के थ्रू कनेक्ट करना होगा और फिर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अदर वायरलेस कनेक्शन के सेटिंग में आना है और यहाँ पर जो है USB टेथरिंग का एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ये जो है डिजेबल होगा। तो आपको अपने फ़ोन से जैसे ही आप इसे वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से तो आपका ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा और इसे आपको जो है ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है तो आप जो है अपने कंप्यूटर पर जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और बेसिक जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।